गाइस आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर लेकर आए हैं आज कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2019 की स्टोरी हिंदी में। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर एक फर्स्ट पर्सन शूटर वीडियो गेम है जिसे इन्फिनिटी वॉर्ड ने डेवलप किया है और एक्टिविजन ने पब्लिश किया है। ये गेम रिसेंटली 25 अक्टूबर 2019 को पीसी, PS4 और एक्सबॉक्स वन के लिए रिलीज की गई थी। What are the gloves off? They're off. Our war. बात करें गेम की स्टोरी की तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अलकताला टेररिस्ट ग्रुप का लीडर जिसे वुल्फ नाम से जाना जाता है वो और उसके बाकी साथी बूटर वीडियो क्लिप के जरिए मैसेज दे रहे होते हैं कि इस लड़ाई में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, बट हम हमारे ज़मीन से विदेशी ताकतों को भगाना चाहते हैं। हम अलकताला हैं और अपने शौक के लिए हत्याएं करते हैं। हम वॉरियर हैं। इसी मैसेज के साथ गेम स्टार्ट होती है। जहाँ इन टेररिस्ट प्लान्स के इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पेडारस नाम के एक फॉरेस्ट में हमारा मरीन ऑफिसर प्रोटैगनिस्ट एलेक्स अपने फ्रेंड्स के साथ रशियन केमिकल एक पॉइजनस गैस को अपने कब्जे में करने पहुंचता है और दुश्मनों के बेस का पता लगाकर उनके बेस को एयर सपोर्ट की हेल्प से तबाह भी कर देता है। बचे हुए टेररिस्ट को मारते हुए गैस अपने कब्जे में कर लेता है, बट इसी प्रोसीजर में उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक हो जाता है जिसमें एलेक्स के फ्रेंड्स मारे जाते हैं और टेररिस्ट गैस लेकर फरार हो जाते हैं। बट लकीली अटैक में हमारा प्रोटैगनिस्ट एलेक्स बच जाता है और वो बेस में इंफॉर्मेशन देता है जिससे मरीन हेड और भी परेशान हो जाते हैं। मगर तभी जनरल लियोन्स को एक और इंफॉर्मेशन मिलती है कि लंदन में अलकताला के कुछ लोग बड़ा प्लान कर रहे हैं, जिस पर तुरंत एक्शन लेने के लिए लॉसवेल को कहा जाता है। बट लॉसवेल इस मिशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉन प्राइस को देती है। जॉन प्राइस की नज़र पहले से ही इस मिशन के दुश्मनों पर थी। इसी बीच लंदन में पुलिस ऑफिसर सार्जेंट काइल को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि शहर में टेररिस्ट अटैक होने वाले हैं जिन्हें रोकने के लिए वो सिटी पहुंचता है, बट उसके पहुंचते ही वहां पर अटैक्स हो जाते हैं। जैसे तैसे करते हुए काइल और उसके फ्रेंड्स दुश्मनों को मारकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस खतरे के बीच में प्राइस भी अपने फ्रेंड्स के साथ पहुंचते हैं और काइल और प्राइस साथ मिलकर दुश्मनों के ठिकाने पर पहुंचते हैं, जहां वो लोग देखते हैं कि एनिमीज ने सिटीजन्स को पकड़कर उनमें से एक को ह्यूमन बॉम्ब बनाया हुआ है। ये लोग समझ जाते हैं कि इसे बचाना बहुत मुश्किल है, इस वजह से प्राइस उस ह्यूमन बॉम्ब को धकेल कर बाकी लोगों की जान बचा लेता है। एनिमीज को मार भगाने के बाद कायल बेगुनाह लोगों को देखते हुए काफी इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि हमें हमेशा वॉर के बीच में या एंड में क्यों भेजा जाता है जबकि पता होता है कि क्या होने वाला है। फिर भी हम कुछ कर नहीं पाते, पहले ऑर्डर्स का वेट करना पड़ता है, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकता क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं। मेरे कुछ लोग उन पर नज़र भी बना कर रखे हुए हैं। इस बात को सुनकर प्राइज काइल को अपने साथ मिला लेता है। दूसरी तरफ प्राइज उज्बेकिस्तान में एलेक्स को फराह के पास केमिकल गैस की तलाश में भेजता है। एलेक्स फराह के साथ मिलकर रशियन आर्मी के खिलाफ लड़ता है और एयरबेस को अपने कब्जे में कर लेता है। उज्बेकिस्तान में एयरबेस कब्जे में होते ही प्राइज काइल के इन्फॉर्मर्स की हेल्प से मिली इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर वुल्फ के लिए काम कर रही लेडी को पकड़ने के लिए पहुंचता है, बट सरेंडर ना करने पर उस लेडी को मारना पड़ जाता है। फिर उस जगह के पास से उन्हें वर्क का लोकेशन पता लग जाता है जो कि उज्बेकिस्तान के एक हॉस्पिटल का होता है, जिसे प्राइस एलेक्स को बताता है।
जिससे एलेक्स फराह के साथ मिलकर हॉस्पिटल पर अटैक करते हुए आगे बढ़ता है और एनिमीज को मारते हुए वस्क को पकड़ लेता है। उसे अपने कस्टडी में लेकर यूएस एम्बेसी में ले जाता है, मगर इवनिंग तक वुल्फ के लोग एम्बेसी को हर तरफ से घेर लेते हैं, जिस वजह से हमारे सोल्जर्स एम्बेसी में फंस जाते हैं। उसी भीड़ में वुल्फ का साथी बुचर उसे बचाने के लिए अटैक करने की पूरी प्लानिंग कर चुका होता है। इसे देखते हुए एलेक्स प्राइस को हेल्प के लिए बुलाता है। इससे प्राइस अपने फ्रेंड काइल के साथ हेलीकॉप्टर की हेल्प से एम्बेसी जाता है, बट उसके हेलीकॉप्टर जो वुल्फ के लोग RPG से उड़ा देते हैं। काइल और प्राइस उस अटैक में बचते हुए दूसरी तरफ से हेल्प के लिए पहुंचते हैं। एक बार ये लोग पार्किंग लॉट की तरफ से वुल्फ को अरेस्ट कर भी लेते हैं, बट इसी बीच में बूटर किसी तरह से वुल्फ को ले जाने में सक्सेसफुल हो जाता है। इस पर फरा समझ जाती है कि ये लोग जरूर सिटी को छोड़ने का प्लान बना रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो उसके सोर्सेज से उनकी लोकेशन का पता लग जाएगा। प्राइस के पूछने पर फराह उसे एक शॉर्टकट भी बताती है जो कि पहाड़ियों के बीच का था, जिससे ये लोग वुल्फ से पहले वहां पर पहुंच सकते हैं। वुल्फ का वेट करते हुए उन लोगों को एक ओल्ड विलेज में छिपना भी पड़ता है, जहां से ये लोग वुल्फ के लोगों पर अटैक करते हैं। बट इसी बीच फराह का भाई हैदर एनिमल्स पर अटैक करने के लिए एक ट्रक का अरेंजमेंट करता है, जिसमें रशियन गैस होती है। वो उसे ब्लास्ट भी कर देता है, जिस वजह से सब लोग फेंट होने लगते हैं। उसकी इस बात से उसकी बहन फराह भी उससे नाराज हो जाती है, बट गैस की वजह से वो भी फेंट हो जाती है। ये सब देखकर हैदर एलेक्स से कहता है इसने रशियन गैस को इसीलिए ट्राया था ताकि वो अपने लोगों को बचा सके। उसकी बात सुनते हुए एलेक्स भी बेहोश हो जाता है, जिसके साथ स्टोरी हमें 20 इयर्स पास्ट में ले जाती है, जहां हम देखते हैं कि अटैक्स की वजह से फराह, जो कि एक छोटी बच्ची है, मलबे में फंस जाती है, जिसे रेस्क्यू करके बचाया जा रहा होता है। वो अपने फादर को ढूंढकर अपने भाई को ढूंढ ही रही होती है कि उसी बीच में उसके सामने एक रशियन सोल्जर आता है, जिससे एनकाउंटर में उसके फादर की डेथ हो जाती है। अपने फादर की डेथ के बाद दोनों भाई बहन सिटी को छोड़कर जाते वक्त फिर से रशियन लीडर के हाथ में पकड़े जाते हैं। अब दोबारा से स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आती है, जब फराह और एलेक्स फेंट हैं और उनके होश में आते ही बाकी के साथी भी उन तक पहुंच जाते हैं। फराह शेम फील करते हुए सबसे माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि हैदर चोर था जिसने बेडारस के जंगल से गैस को चुराया था। गाइस, इसके बाद हम देखते हैं कि प्राइस और उसकी पूरी टीम मरीन बेस में होते हैं, जहां लॉसवेल उन्हें हैदर के लोकेशन के बारे में बताती है और साथ ही ये भी गाइड करती है कि हैदर वुल्फ से मिला हुआ है, वो एक टेररिस्ट है। ये सुनकर एलेक्स भी बताता है कि हाँ, हैदर ने चोरी तो की थी लेकिन उसने हम में से किसी को नहीं मारा। बट फराह कहती है वो मेरा भाई नहीं है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फराह की बात सुनकर प्राइस उसे अपनी टीम में इन्वॉल्व कर लेता है। फिर लॉसवेल के बताए प्लान्स के अकॉर्डिंग ये लोग वुल्फ के ठिकानों पर पहुंचते हैं। गाइस, यहां पर आप देखेंगे कि वुल्फ को भी एक टाइम बॉम्ब से बांधा हुआ होता है। ये सब देखकर ये लोग भी बड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग तो वुल्फ को ही अपने एनिमल्स का लीडर समझ रहे होते हैं। जिस पर वुल्फ ने बताता है कि तुम्हारा हैदर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है जिसे कोई नहीं रोक सकता, इसलिए उसने मुझे भी नहीं छोड़ा। फराह उसकी बात सुनकर वुल्फ को शूट कर देती है और उसकी बॉडी को मरीन बेस तक पहुंचाती है। वहीं लॉसवेल उन्हें बताती है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने फराह की आर्मी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। इस इंफॉर्मेशन से एलेक्स, प्राइस, काइल बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं और कहते हैं वो लोग हमारे साथी हैं, अगर तुम उनके खिलाफ कुछ करोगे तो हम भी आप लोगों के अगेंस्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही स्टोरी फराह के फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां 10 साल पहले वो रशियन जनरल बर्बॉक की कैद में थी और उसे बुरी तरह से टॉर्चर करके उसके फादर कमांडर करीम का लास्ट मैसेज पूछ रहे होते हैं। इसी बीच रशियंस पर अटैक हो जाता है और उनके मर्डरर्स की हेल्प से वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन उसे रशियन सोल्जर्स फिर से पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ कमांडर प्राइस आ जाते हैं
और दुश्मनों को मारकर फरा और उसके फ्रेंड्स को बचा लेते हैं। अब स्टोरी दोबारा प्रेजेंट टाइम में आती है जहां प्राइस लॉसवेल को फरा की आर्मी का साथ देने के लिए समझाता है। लॉसवेल भी फरा की आर्मी को सेव करने के लिए एक सीक्रेट मिशन प्लान करता है जिसमें वो हैदर को पकड़ लाने का प्रॉमिस भी करता है। लॉसवेल को मनाने के बाद ये लोग सीक्रेट रूप से अलकताला मेंबर बूचर तक पहुंचते हैं और उसे टॉर्चर करके हैदर और रशियन गैस के बारे में पूछते हैं। बूचर से हैदर का लोकेशन पता लगाकर काइल और प्राइस वहीं जाते हैं, बट इसी बीच काइल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर प्राइस से गिल्ट फील करते हुए कहता है कि बूचर के घर वाले आम लोग हैं, हम उन्हें ही शील्ड बनाकर गुंडों की तरह इन्फॉर्मेशन उनसे निकलवा रहे हैं। इस पर प्राइस उसे समझाता है, हमें कभी कभी ऐसे डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं जो गलत होते हैं, बट वो लोगों की और सिटीज़ की सेफ्टी के लिए होते हैं, ये सब सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। अब ये लोग हैदर के ठिकानों तक भी पहुंच जाते हैं जहां इन्हें पता चलता है कि हैदर पूरे रशिया से अपने बचपन में हुई घटना का बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है। हैदर को पकड़ने पर उसे ये भी पता चलता है कि वो सिर्फ रशियन गैस को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतने में रशियन हेलीकॉप्टर उन पर अटैक कर देता है जिससे बचते हुए प्राइस काइल और हैदर सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं जहां प्राइस हैदर को लॉसवेल को सौंप देता है। ये इन्फॉर्मेशन प्राइस फरा को देता है, तुम्हारा भाई पूरे गैस स्टेशन को उड़ाने का प्लान कर रहा था जिसमें दुनिया का नुकसान था, इसलिए मुझे सब करना पड़ा। प्राइस की बात सुनकर फरा काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड हो जाती है, बट प्राइस उसे नॉर्मल करते हुए बोलता है अब हमें सीधा बेवॉक पर अटैक करना चाहिए क्योंकि हमारे पास उसका लोकेशन है। इसके साथ ही ये लोग मिलकर गॉर्जिया जाते हैं और बेवॉक की आर्मी पर अटैक करते हुए उनके बेस में बन रहे गैस को भी उड़ा देते हैं जिसमें हमारा सोल्जर एलेक्स शहीद हो जाता है। एंडिंग में हम देखते हैं कि प्राइस लॉसवेल के साथ बैठा होता है और अपने अगले मिशन के लिए एक टीम चूज़ करता है जिसका नाम प्राइस रखता है। और गाइस इसी के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपने इस गेम का कंप्लीट कैंपेन देखना है तो आप हमारे चैनल नमोकार लाइव गेमिंग पर जा सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको कंप्लीट लाइव स्ट्रीम मिलेगी इस पूरी गेम की। गेम कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को आपने लाइक करना है एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।